प्रथम किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखा का ऐलान, ज्ञानवापी में सावन के अंतिम सोमवार को करेंगी जलाभिषेक। प्रथम किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी पहुंची गुवारी घाट, नर्मदा नदी का जल लेकर ज्ञानवापी जाएंगे। ज्ञानवापी महादेव का करेंगी जलाभिषेक, 8 अगस्त को पहुंचेंगी बनारस, कहा हर हाल में जलाभिषेक करके ही रहेंगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जबलपुर से हमारे सहयोगी फतेह सिंह लाइव जुड़े हुए हैं। फतेह सिंह, अब महामंडलेश्वर हिमांगी सखी एक बड़ा ऐलान कर चुकी हैं, इससे पहले भी उनका बयान सामने आया था जब वो कह रही थी अब ज्ञानवापी में जो शिवलिंग है उसका जलाभिषेक करेंगी सावन के अंतिम सोमवार पर, कहां तक उनकी तैयारी पहुंची और इसको किस नजरिए से देखा जा रहा है? आप यहाँ ज्ञानवापी में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ बात हुई है? हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से कोई बात नहीं हुई है, ना उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे साथ कोई संपर्क साधने की कोशिश की। अभी जो एक बयान भी ओवैसी का है यहाँ पर आया हुआ था, क्या बातें हैं? ओवैसी का एक बयान आया था। ओवैसी तो बिना मतलब का कुछ भी बोलते रहते हैं, हमने आज तक उनके धर्म और मजहब के बारे में नहीं कहा, मगर वो बार बार हमारे धर्मों के बारे में बात करते हैं। आपकी जो आपकी बात हुई थी उत्तर प्रदेश सरकार से, हमारी यही मांग है सोमवार के दिन आधा घंटे का समय हमें दे पूजा करने के लिए, अगर नहीं करने दिया तो किन्नर महामंडलेश्वर स्वयं अपना जल अभिषेक करवाए। क्या कारण है कि यह वजह हिंदुओं के साथ ही यहाँ पर आती है? अब इसमें मैं यही कहूंगी कि कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय की गलतियां हैं, जो श्रावण का महीना सर पे है, आखिरी श्रावण का सोमवार सर पे है और आज तक संतों को अनुमति नहीं मिली पूजा, इसलिए हम कलयुग के अर्ध नारेश्वर किन्नर महामंडलेश्वर ज्ञानवापी बजा रहे जलाभिषेक करें। वहाँ पर सालों से वजू होती आई है, अब आप लोग जा रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति यही रहेगी जिन मुसलमानों ने पता होते हुए भी वजू कर और हर संत मिलकर उस जगह को पवित्र करेंगे, शिव जी का जल और शिव जी को दरगाह जी का जल कर सुनाई, मुझे कुछ नहीं देना। आपको अगर रोका जाता है उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी के उस संत महात्मा मिलकर अर्धनारेश्वर की मांगी सखी जो महामंडलेश्वर है उसका जलाभिषेक कर दे। तस्वीरें हम आपको बता रहे थे जहां पर हमारे सहयोगी महामंडलेश्वर से बातचीत कर रहे थे और उनका कहना है कि वो कलयुग की अर्ध नारेश्वर हैं और किसी भी हाल में सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगी। हालांकि यूपी सरकार ने उन्हें परमिशन नहीं दी है और उनके ऐलान के बाद कोई भी बातचीत या कोई भी संपर्क करने की कोशिश यूपी सरकार ने नहीं की है, लेकिन उनका दावा है कि आखिर में अंतिम सोमवार को वो जलाभिषेक करने जरूर पहुंचेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फतेह सिंह तमाम जानकारियों के लिए।